मैं पास्टर को स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करती हूं कि आप सब तैयारी के साथ हैं। So today's message is on focusing on Jesus. और आज का संदेश है कि हम यीशु पे ध्यान लगाएं। Let us read Matthew chapter 14, 25 to 32 and I want Rachel to read it in Hindi. आइए हम मत्ती 14 का 25 से 32 तक पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि रेचल इसे पढ़े। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पत्रस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। Here for Peter, Jesus was his strength. और यहाँ पत्रस के लिए यीशु उसका ताकत था। And wind was his weakness. और हवा उसकी कमजोरी। It's very interesting story here. और ये बहुत दिलचस्प कहानी है। Peter wanted to walk on the water. पत्रस पानी पे चलना चाहता था। And it was a miracle. और ये एक आश्चर्यकर्म था। For a human being to be able to walk on water. कि एक मनुष्य पानी पर चले। But if Jesus commands us to walk on the water, you can walk on the water, my brother, sister. अगर यीशु आज्ञा दे कि आप पानी में चले, तो आप पानी में चल सकते हैं। What seems impossible for you and me? जो आपके लिए असंभव लगे, अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्ट्रेंथ, हमारे अपने बल में, वॉट इज ह्यूमनली स्पीकिंग इम्पॉसिबल फॉर यू एंड मी, जो मानवता के लिए देखने में असंभव हो, बट इफ जीसस सेज यस यू विल, अगर यीशु कहे कि हाँ तुम कर सकते हो, यू कैन डू दैट, आप उसे कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बिकॉज़ देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। नो वन हैड एवर वॉक्ड ऑन द वाटर, कोई भी अभी तक पानी में नहीं चला है। नीदर बिफोर पीटर नॉर आफ्टर पीटर एनीबॉडी वॉक ऑन द वाटर, पत्रस के पहले और पत्रस के बाद कोई भी पानी पर नहीं चला है। एंड व्हेन जीसस सेड कम, और जब यीशु ने कहा आ, Peter started walking on the water. पत्रस पानी पे चलने लगा। But this again human thing. पर ये तो एक मानवता की बात है। To get distracted. कि हमारी दिशा भंग हो। To get diverted. कि हम दूसरी ओर हमारा ध्यान चला जाए। Always devil wants to divert our attention, my brother, sister. शैतान हमेशा हमारा दिशा को भंग करना चाहता है। If you and I can focus on Jesus, अगर हम यीशु पे ध्यान लगा सकते हैं, if you are able to listen to the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, and if you look at Jesus face straight, अगर आप यीशु के चेहरे को सीधे देखें, now you say, pastor, I have never seen Jesus physically, how can I see, look at Jesus face? अगर आप कहें कि पास्टर मैंने यीशु को कभी भी नहीं देखा है साक्षात रूप में, तो मैं कैसे उनके चेहरे को देख सकूं? When Bible says look at God, look at Jesus, जब बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर को देखें या यीशु को देखें, and the Bible says, look at Jesus, who is the author and perfecter of your faith, और वहाँ पे लिखा है कि यीशु आपके विश्वास के सिद्ध करता है, that doesn't mean you have to look at Jesus's face because he is not there physically. इसका ये मतलब नहीं है कि आप यीशु के चेहरे को देखें, क्योंकि वो साक्षात रूप में वहाँ पर नहीं है। But meditating on the word of God. पर उनके वचन पर ध्यान लगाना। When you read the word of God and meditate on it. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें आप ध्यान को लगाते हैं। When you ponder on the word of God in your mind. जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में सोचते हैं। That is, you are looking at Jesus Christ. वो है कि आप यीशु को देख रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। But there, Peter started walking on the water. पर वहाँ पे पत्रस पानी में वो
चल रहा था वो रुक गया. And it's so interesting to see here. और ये बहुत दिलचस्प है अगर आप यहाँ पे देखें. As long as Peter looked at Jesus. जब तक पत्रस यीशु को देख रहा था. He could walk on the water. वो पानी में चल पा रहा था. Hallelujah. Hallelujah. But then there was wave coming up. पर वहाँ पे दो waves आए. And Peter got distracted. और पत्रस का दिशा वहाँ पे भंग हुआ. And as Peter took his eyes off Jesus, और पत्रस ने अपनी आँख को यीशु से हटा दिया. Started looking at the waves. और वो वहाँ पे लहरों को देख रहा था. The fear gripped his heart. और डर ने उसके हृदय को पकड़ लिया. The doubt came in his heart. और उसके हृदय में वहाँ पे doubts आए. And started thinking, what if I sink? और वो सोचने लगा कि अगर मैं डूब जाऊं तो क्या होगा? And the next moment started to sink. और उसके दूसरे ही पल वो डूबने लगा. Why that happened? ये क्यों हुआ? Because he took his eyes off Jesus. क्योंकि उसने अपने आँख को यीशु से हटा दिया. This is what happens for us all, but brother, sister. और ये हम सब के साथ भी होता है. No matter where you are going, in which situation you are in. आप किसी भी परिस्थिति में हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो. If you know the promise of the word of God. अगर आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में पता है. If you believe the word of God. अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं. Even humanly speak, it may be next to impossible. अगर मानवता के लिए भी अगर वो असंभव हो. But if you are holding on to the word of God. पर अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे. If Jesus has said, "Come on the water." अगर यीशु ने कहा कि आ तू पानी में आ. You will walk on the water. आप पानी में चलेंगे. People will not believe it. लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे. Because no one has ever walked on water. क्योंकि अभी तक किसी भी मनुष्य ने पानी पर नहीं चला है. But you are acting upon the word of God. पर आप तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. So I want to say here for Peter, Jesus was his strength. और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पत्रस के लिए यीशु उसका बल था. But wind and wave was his weakness. पर वहाँ पे वो हवा और वहाँ पे लहरें वो उसकी कमजोरी. Today we have to know this. आज हमें ये जानना है. What is your strength, my brother, sister? आपका बल क्या है मेरे भाई और बहनों? And what is your weakness? और आपकी कमजोरियाँ क्या है? And we have to learn to take your eyes off our weakness. और हमें सीखना है कि हम अपने कमजोरियों से अपनी आँखें को हटा ले. Don't look at the waves, my brother, sister. उस लहरे को आप ना देखें. Devil will bring waves in our life. शैतान हमारे जीवन में वो लहरे को लाएगा. The devil will bring negative in our life. और शैतान बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों को भी लाएगा. One after another pandemic will come. और एक के बाद महामारी आएगी. Crisis will come. संकट आएगी. Coronavirus will come. Coronavirus भी आएगी. But question is this, my brother, sister. पर आज के सुबह सवाल ये है मेरे भाई और बहनों. Do you want to look at Jesus, who is your strength? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं जो आपका बल है? Or you want to look at the problem or circumstance which is your weakness. या फिर आप अपने समस्याओं या परिस्थिति को देखना चाहते हैं जो आपकी कमजोरी है. But if you look at Jesus. अगर हम यीशु को देखें. Who is your strength. जो आपका बल है. You will walk on the water. तो आप तो पानी में चलेंगे. You will experience power of God. आप तो परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करेंगे. You will experience miracle in your life. आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म का अनुभव करेंगे. You will experience healing and deliverance in your life. आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा का अनुभव करेंगे. When Peter started looking at the waves, जब पत्रस वो लहरे को देख रहा था, when he changed his focus, जब उसने अपना ध्यान को वहां से हटा दिया, he began to sink, वो डूबने लगा. You can recall your past life for some time. आप अपने बीते हुए जीवन को थोड़ी देर के लिए याद करें. एवरी टाइम यू फोकस ऑन योर वीकनेसेस और हर बार आपने अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया. यू विल रियलाइज देयर एट दैट पॉइंट यू स्टार्टेड सिंकिंग. आपको महसूस होगा कि उस पल आप डूबने लगे. But again, the moment you fix your eyes on Jesus, पर वो समय जब आपने यीशु पे ध्यान लगाया, started reading Bible, meditating on it, आप बाइबल पढ़ने लगे और उसमें ध्यान देने लगे,
attending prayer meeting and Bible study and church services. आप प्रार्थना की सेवकाइयों में आप कलीसिया में आने लगे. Starting reading the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे. Hearing the messages preached by your pastor. और आपके पासवान के द्वारा प्रचार को आपने सुना. And implementing the truths of the word of God in your situation, in your life. और आपने अपने परिस्थितियों में वो सच्चाई को आप डालने लगे. Again you started seeing miracle in your life. और फिर से आप अपने जीवन में वो आश्चर्य कर्म को देखने लगे. Because you started looking at Jesus again. क्योंकि आपने यीशु पे ध्यान लगाना शुरू किया. Let me tell you this morning what can be your weaknesses. और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कमजोरी क्या हो सकती है. Your sickness. आपकी बीमारी. Your pain. आपका दर्द. Your lack. आपकी अभाव. Joblessness. नौकरीहीनता. Corona virus, for that matter. और इस मामले में कोरोना वायरस भी. All these are your weaknesses, my weaknesses. और ये सब आपकी और मेरी कमजोरियां हैं. But interesting thing is this. और एक दिलचस्प बात ये है. We all of us have these weaknesses in our life. हम सब के पास ये कमजोरियां हैं. No one can say I don't have pain and trouble. कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में दर्द और समस्या नहीं है. No one can say I don't have any sickness in my body. कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है. Every now and then we face lack of money and so many resources. और हर आने दिन हम अभाव को या फिर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं. And that's the time that we have to look at Jesus. और वो समय है जब हमें यीशु को देखना है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You have to choose, my brother, sister, to look at Jesus. आपको चुनाव करना है कि आप यीशु पे देखें, यीशु को देखें. That is why, you know, I, being your pastor, always encourage you, brother, sister, read the Word of God, listen to the messages. इसीलिए मैं आपके पासवान होने के नाते आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को सुने. It will be so good if you at least once a day, twice a day, you turn your Bible and read. ये बहुत अच्छा होगा कि आप दिन में एक बार या दो बार अपने बाइबल को खोल कर पढ़े. Have devotional habit. और आप प्रार्थना में समय को बिताए. Listen some good worship songs. और आप अच्छी आराधना के गीतों को सुने. Fill your mind with the word of God. और अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दे. Kneel down and pray. आप घुटने में आए और प्रार्थना करे. That's how you focus on Jesus. और ऐसे आप यीशु पे ध्यान को लगाते हैं. Someone said like this. और किसी ने ऐसा कहा. Anything that gets your attention, it gets you. और कोई भी चीज जिस पर आपका ध्यान होता है वो चीज आपको ले लेता है. Yes, and devil wants us to focus on our weaknesses. और शैतान चाहता है कि हम अपने कमजोरियों पर ध्यान दे. If you are looking at your problems, weaknesses. अगर आप अपने समस्या या कमजोरी को देखते हैं. That means you are magnifying your problems, your weaknesses. तो इसका ये मतलब है कि आप अपने समस्या या कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं. But we have to decide. पर हमें चुनाव को करना है. Where do you want to give your attention? कि आप अपना ध्यान को कहाँ पर लगाना चाहते हैं? If you keep talking about your negativity. अगर आप अपने नकारात्मक चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं. If you keep on talking about your problems, your weaknesses. अगर आप अपने समस्या या कमजोरी के बारे में बात करना चाहते हैं. It will draw all your attention, your energy. तो ये आपका सारा ध्यान को वहाँ पे लगा देगा. And you will be left with very little faith. और आपके पास बहुत कम विश्वास बचेगा. And with that faith, you cannot believe God for miracle in your life. और उस विश्वास से आप परमेश्वर पर अपने आश्चर्य कर्म के लिए विश्वास नहीं कर पाएंगे. That is why many of us today are not experiencing any blessings of God in our life. और इसीलिए हम में से बहुत जन परमेश्वर की आशीष का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं. Our whole attention, our energy. Has been drawn to the negative things. क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस नकारात्मक चीजों पर लग गया है. True faith is keeping your eyes on God. सच्चा विश्वास वो है जब हम अपनी नजर को परमेश्वर पर लगाते हैं. When the world around you is falling apart. जब आपके आसपास पर दुनिया टूट रही है. Yes, when everything is falling apart around us. जब हमारे आसपास हर चीज टूट रहा है. Yet you are able to focus on God. और तब भी आप परमेश्वर पर ध्यान को लगा सकते हैं. That's faith.
वो है विश्वास. That's faith, brother, sister. वो है विश्वास मेरे भाई और बहनों. That's I choose not to talk about negativity. और इसीलिए मैं चुनाव को करता हूँ कि मैं नकारात्मक बातें ना करूँ. I don't want to talk about my joblessness. और मैं नौकरीहीनता के बारे में बात नहीं करना चाहता. I don't want to talk about my family problems. मैं अपने परिवार के समस्या के बारे में बात नहीं करना चाहता. I don't want to talk about my husband's problem with people. मैं अपने पति के समस्या के बारे में लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता. I don't want to talk about my wife's problem with the people. मैं अपनी पत्नी की समस्या के बारे में लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता. I don't want to talk about my children's problem with the people. और मैं अपने बच्चों की समस्या के बारे में लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता. It will be no help. और यहाँ से कोई सहायता नहीं मिलेगी. No use. और सर कोई काम नहीं है. I go to God. मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ. In Jesus name. यीशु के नाम में. And bring everything before God. और मैं सब कुछ परमेश्वर के आगे लाता हूँ. That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है. Do not worry about anything. किसी भी चीज के लिए आप परेशान ना हो. But in prayer and petition present your supplication before God. पर प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपने सारे बातों को उनके आगे लेकर आओ. His peace that passes all your understanding. और उनकी शांति जो हर चीज से ऊपर है. The peace will guard your heart and mind. और ये शांति आपके हृदय और मन की सुरक्षा करेगा. See, Bible gives us godly counsel. बाइबल हमें ईश्वरीय सलाह को देता है. What to do when you are filled with problems? क्या करें जब हम समस्या से भरे हुए हैं? When I and you face problems? जब आप और हम समस्या को झेलते हैं. Family problems? पारिवारिक समस्या. Financial problems? आर्थिक समस्या. Sickness? बीमारी. Devil attack? और शैतान आक्रमण करता है. People talking ill about us. और लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं. My wife is not understanding me. और मेरी पत्नी मुझे नहीं समझ रही है. My husband doesn't love me. मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता. Our parents are insensitive. और हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते. Our children don't obey us. हमारे बच्चे हमारा आज्ञा पालन नहीं करते. And we try to find the people, try to get some soldier. On which to cry. और हम लोगों को ढूंढते हैं और वो कंधे को जहाँ पे हम रो सके. That will be no use, my brother, sister. इससे कोई सहायता नहीं मिलेगा भाई और बहनों. Listen to me. That will be no use to you and me. और इससे आपको और मुझे कोई सहायता नहीं मिलेगा. Bible gives us counsel. बाइबल हमें सलाह को देती है. What to do when you face this kind of problem? क्या करना है जब हम ऐसे समस्या को फेस करें? Go to God in Jesus name. आप परमेश्वर के पास जाए यीशु के नाम में. Bring all your petitions, your prayers. आपके सारे प्रार्थनाओं को उनके आगे लेकर आए. To God in Jesus name. परमेश्वर के पास यीशु के नाम में. And don't worry about a thing. और आप किसी भी चीज के बारे में परेशान ना When हो. You give your problem to Jesus. आप अपने समस्या को जब यीशु को देते हैं. He will say, Now I'll take care of it. वो कहते हैं कि अब मैं इसको संभाल लूंगा. Hallelujah. Hallelujah. I will take care of your joblessness. अब मैं तुम्हारी नौकरीहीनता के बारे में संभालूंगा. I will take care of your family problem. मैं तुम्हारी पारिवारिक समस्या को संभाल लूंगा. I will take care of your sickness. मैं तुम्हारी बीमारियों को संभाल लूंगा. Don't worry. आप परेशान ना हो. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give the Lord a mighty hand once again. आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Don't focus on your adversaries. आप अपने अनुकूल परिस्थिति पर ध्यान ना लगाएं. Focus on God's possibilities. आप परमेश्वर की संभवता पर ध्यान लगाएं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. We should thank God sometime for the affliction we endure. हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कभी कभी जो दुख हम सहते हैं. Psalm 119:71 says. और भजन संहिता 119:71. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं. This is Psalmist saying. और ये भजनकार कह रहा है. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं. Sometimes affliction also teach us to listen to the word of God. और बहुत बार ये दुख भी हमें परमेश्वर के वचन को सुनने में सिखाता है. Decrees means the word of God. और जो डिक्रीज है इसका मतलब है परमेश्वर का वचन. And Psalm 119:67 says. और भजन संगीता 119:67 कहता है. Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word.
उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. It says here, before I was afflicted, I went astray. और यहाँ लिखा है कि उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था. But when I was afflicted, परंतु जब मैं दुखित हुआ, I obey your word. मैंने तेरे वचन को माना. Sometimes God will allow trouble, affliction, sickness in our life. और परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में समस्या बीमारी दुख को आने की अनुमति देते हैं. With a purpose. एक उद्देश्य के साथ. Because that's when we start praying to God. वो क्योंकि वो समय होता है जब परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करने लगते हैं. Because that's when you start reading Bible. क्योंकि वो समय होता है हम बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं. Of course, this is not good actually. हाँ ये अच्छा नहीं है. Because some believers they go only in the crisis. क्योंकि कोई विश्वासी ऐसे भी होते हैं जो केवल समस्या के टाइम में वो परमेश्वर के पास जाते हैं. Only they grow only in crisis. वो केवल संकट में बढ़ते हैं. When there is sickness, there problem, something happens, then oh God, they pray. और जब बीमारी या फिर कोई समस्या होता है तब वो प्रार्थना करने लग जाते हैं. They see death right there. और वो मृत्यु को वहां पर देखते हैं. They pray, oh God. और वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. Job gone. और नौकरी चली गई. ओ गॉड. हे परमेश्वर. सिकनेस केम. बीमारी आई. ओ गॉड. हे परमेश्वर. आप देखे दैट क्राइसिस संकट. इन क्राइसिस सम पीपल वांट टू ग्रो. और संकट में लोग बढ़ना चाहते हैं. एंड व्हेन द क्राइसिस ओवर. और जब वो संकट खत्म हो गया. डिफिकल्ट टाइम्स ओवर. और कठिन समय खत्म हो गया. अगेन नो प्रेयर. फिर वहां पे प्रार्थना नहीं है. नो बाइबल रीडिंग. बाइबल को पढ़ना नहीं है. नो टाइथिंग. और वहां पे दशमांश को नहीं देते. नो गोइंग टू द चर्च. और कलीसिया में नहीं जाते. अगेन दे वेट फॉर अनदर क्राइसिस टू हिट. और वो दूसरी संकट का इंतजार कर रहे हैं. सम सिकनेस टू कम. कोई बीमारी आए. सम एक्सीडेंट टू हैपन. कोई वहां पे एक्सीडेंट हो. समथिंग हैपन इन द फैमिली. और कुछ परिवार में हो. मदर सिक, फादर सिक, सन सिक, डॉटर सिक. और माँ बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए, बेटा बेटी दोनों बीमार हो गए. सफर लॉसेस. और वहां पे वो अभाव को महसूस करते Again, हैं. praying, oh God. फिर से वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. One month, two month, three month praying hard. और एक महीना दो महीना तीन महीना वो बहुत प्रार्थना करते हैं. Suddenly they coming to the church. और फिर से वो कलीसिया आने लग जाते हैं. Suddenly they turn their Bible. और वो अचानक से बाइबल को खोलते हैं. Suddenly they wake up morning 5 o'clock to pray. और अचानक से वो सुबह उठते हैं प्रार्थना करने के लिए. Then God will have mercy on that person. फिर परमेश्वर उस व्यक्ति पर अनुग्रह करेंगे. God sends deliverance. और परमेश्वर छुटकारा को भेजते हैं. Healing. चंगाई को भेजते That हैं. Person gets job. और वो व्यक्ति को नौकरी मिलती है. Money starts coming. और पैसे आने लग जाते हैं. Again, that brother, sister missing from the church. और फिर से वो भाई बहन कलीसिया में नहीं आते हैं. What happened, brother? क्या हुआ भाई? What happened, sister? क्या हुआ बहन? Oh, you know, because of my busy schedule. हाँ, मेरे बिजी शेड्यूल के वजह से. दिस इज क्राइसिस ग्रोथ. और ये है संकट में बढ़ना. व्हिच इज नॉट गुड ब्रदर सिस्टर. ये अच्छा नहीं है मेरे भाई और बहनों. वेदर यू आर रिच और पुअर. अगर आप अमीर हो या गरीब हो. वेदर यू आर गोइंग थ्रू थिक एंड थिन टाइम. अगर आप अच्छा या बुरा समय से गुजर रहे हैं. मेक अ हैबिट ऑफ फेलोशिपिंग विद गॉड. आप ही परमेश्वर के साथ वो संगति को आप बनाए रखें. एवरी डे. हर दिन. एवरी डे. हर दिन. हालेलुया. हालेलुया. एवरी डे यू हैव अ हंगर फॉर गॉड. और हर दिन आपके पास परमेश्वर के लिए वो भूख हो. यू आर थर्स्ट फॉर द होली स्पिरिट. आप पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हैं. यू स्पीक इन टंग्स. आप अन्य भाषा में बोलते हैं. यू शेयर योर टेस्टिमनी विद योर फेथ विद योर नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स. आप अपने गवाही और विश्वास को अपने अन्य मसीह लोगों के साथ बांटते हैं. दैट्स व्हाई समटाइम्स गॉड अलाउज सम अफ्लिक्शन इन आवर लाइफ. और इसीलिए कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानी को भेजते हैं. But Paul had a different outlook about the weaknesses. पर पॉल के पास अपनी कमजोरियों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था. 2 Corinthians 11:30 says. और दूसरा कुरिन्थियों 11 का 30 कहता है. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness.
यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। Paul was boasting on his weaknesses। और पौलुस अपने कमजोरी के बात में बात कर रहा था। 2 Corinthians 12:5 says। और दूसरा कुरिन्थियों 12:5 कहता है। I will boast about a man like that, but I will not boast about myself except what my weaknesses। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। Brother, sister, मेरे भाई और बहनों, if you are living only for ourselves, अगर आप केवल अपने लिए जी रहे हैं, then we will be focusing on ourselves, तो हम अपने आप पर ही ध्यान लगाए रहेंगे, on our comforts, हमारे सुख सुविधाओं पे, on our own honor, हमारे अपने मान सम्मान पे, our good name, हमारा अच्छा नाम पे, our gain, और जो प्राप्त किया है, whether you are accepted or not, क्या आपको किसी ने स्वीकार किया है या नहीं, on our promotion, हमारे पदोन्नति पर, we will focus on ourselves, हम केवल अपने आप ही हम केंद्रित रहेंगे, because we are living for ourselves, क्योंकि हम खुद के लिए जी रहे हैं, we should ask ourselves, हमें खुद को पूछना है, what makes me more upset, वो क्या है जो मुझे बहुत दुखित करता है, what makes me more upset, my brother sister, वो क्या है मेरे भाई और बहनों जो मुझे बहुत ज्यादा दुखित करता है, you should ask Lord, what makes me more upset, आपको प्रभु से पूछना है कि वो क्या है जो मुझे बहुत दुखी करता है। I ask you, brothers, what makes you upset? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई और बहन, तो आपको सबसे ज्यादा दुखी किससे मिलती है? James chapter 4, 1 to 6 says, और याकूब 4:1-6 यहाँ पे लिखा है। Please read it quickly, Rachel. तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलती नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिनायियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। But if we live for Christ, अगर हम मसीह के लिए जीते हैं, then we first see where is the glory for Jesus, तो हम ये देखेंगे कि पहले यीशु को महिमा कहां से मिलती है। We will get upset when the sinfulness around us, और हम दुखित होंगे जब हम हमारे आसपास पाप को बढ़ता हुआ देखते हैं। We will get upset when we see souls are not getting saved, और हमें दुख होगा जब हम आत्माओं को उद्धार पाते हुए नहीं देखते हैं। These are the things that will make us more upset, और ये सारी चीजें जो हमें बहुत ज्यादा दुखित करता है, than any personal thing, और कोई भी पर्सनल चीजों से ज्यादा। Paul was very upset when he saw the idols all over Athens. Paul बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गया जब उसने एथेंस में मूर्तियों को देखा। Acts 17:16 says, और प्रेरितों का काम 17:16 कहता है। Read it there. जब पौलुस एथेन में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। See, when Paul saw all over Athens idols, और जब पॉल ने पूरे एथेंस में मूर्तियों को देखा, the city was filled with idols, और वो शहर मूर्तियों से भरा हुआ था, he got upset, और ये देखकर वो बहुत दुखित हो गया। What should make us more upset? मेरे भाई और बहनों, वो क्या है जो हमें दुखित करना है? Not our personal gain, हमारी खुद की प्राप्ति नहीं, not our personal honor and good name, हमारी खुद की मान सम्मान नहीं, when you're not getting promotion, when you're not getting acceptance, जब आपको स्वीकृति या फिर पदोन्नति नहीं मिल रही है, it should make you so much upset, my brother sister, तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा हमें दुखी नहीं करना है। We should be more upset when we don't see the work of God happening, हमें तब बहुत ज्यादा दुखित होना है जब हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देखते हैं। I get really upset, और मैं बहुत ज्यादा
दुखित होता हूँ. When I don't see praying people around me. जब मैं आसपास प्रार्थना करने वाले लोगों को नहीं देखता. When I don't see people hungry for the word of God. जब मैं देखता हूँ कि लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे नहीं हैं. I don't get upset when I don't have money. मैं तब दुखित नहीं होता जब मेरे पास पैसे नहीं होते. I don't get upset with my sickness or disease. मैं अपने बीमारियों को देखकर दुखित नहीं होता हूँ. I have to fight with these sicknesses. हाँ, मुझे मेरी बीमारियों के साथ लड़ना है. This will be there. ये तो यहाँ पे रहेगा. Jesus grace is sufficient for me. और यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है. But what makes me more upset? पर ये क्या है जो मुझे और ज्यादा दुखित करता है? When church is not growing. जब कलीसिया नहीं बढ़ती है. When there no revival in our families. जब हमारे परिवार में जागृति नहीं है. That should make us more upset, my brother, sister. ये चीज है जिससे हमें और ज्यादा दुखित करना है. If you live for Christ. अगर हम मसीह के लिए जीते हैं. Then all our weaknesses become minor, trivial thing. तो हमारी सारी कमजोरियां हमारे मामूली और तुच्छ बन जाता है. Yes, because our goal is Jesus. क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारा लक्ष्य तो यीशु है. We want to live for Jesus. हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं. For we know that my family will taken care of by my Lord Jesus. क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परिवार को प्रभु यीशु ही संभालेंगे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. You don't have to worry at all, my brother, sister. हमें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या. Don't worry about all this thing. और ऐसे चीजों के बारे में आप चिंता ना करें. If you've given it to the Lord, अगर आपने इन सब को प्रभु पर सौंप दिया है, trust him. आप उन पे भरोसा रखें. He will take care of all this thing. वो सारे ये चीजों के बारे में देखेंगे. But let us get more upset when we don't see people are not getting saved. और हम उस बात के लिए दुखित हो जब लोग उद्धार को नहीं पाते हैं. My relationship with God is my number one focus. और परमेश्वर के साथ मेरा संबंध मेरा नंबर वन फोकस है. I know that if I take care of that, अगर मैं जानता हूं कि अगर मैं इस बात पर ध्यान दूं, God will take care of everything else. तो परमेश्वर बाकी सारी चीजों को संभाल लेगा. Focus on God, my brother, sister. आप परमेश्वर पे ध्यान लगाएं. Not your problem. अपनी खुद की समस्याओं पर नहीं. Listen to God. आप परमेश्वर को सुने. Not your insecurities. आप अपनी insecurities को ना देखें. Rely on God. आप परमेश्वर पे भरोसा करें. Not your own strength. अपने खुद की बल पर नहीं. Shall we stand up on our feet? आइए हम अपने पैरों में खड़े हो. Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. Right now I want to pray for you all. अभी मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. I know we all are going through lot of difficulties. हाँ, मैं जानता हूँ कि हम सब बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं. This is trying time for us all. और ये बहुत कठिन समय है हम सभी के लिए. Many of us are really, you know, challenged. और हम में से बहुतों ने चुनौती को लिया है. But right now we will pray. पर हम अभी प्रार्थना करेंगे. The word of God comes to you and me this morning. और परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके और मेरे पास आया है. Says focus on God. ये कहता है कि हम परमेश्वर पे ध्यान लगाएं. Not on your problem. अपनी समस्याओं पर नहीं. Listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुने. For your situation. अपनी परिस्थिति के लिए. Don't listen to your insecurities. आप अपने असुरक्षा को ध्यान ना दे. Rely on God. परमेश्वर पे भरोसा रखे. Not your own strength. अपने खुद की बल पर नहीं. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father God, in the name of Jesus, I pray. परमेश्वर पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ. Help us. आप हमें सहायता करें. Help this victory church. आप विक्ट्री कलीसिया को सहायता करें. Even though we are going through a trying time. अभी हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं. Many of us are facing lot of challenges. हम में से बहुत बहुत सारे चुनौती का सामना कर रहे हैं. We are living in a very uncertainty. और हम बहुत ज्यादा अनसर्टेन समय में जी रहे हैं. But help us to fix our focus on you, Lord Jesus. पर हमें सहायता करें कि हमारे ध्यान को हम यीशु आप पे लगाएं. For you take care of everything when we look at you, when we focus on you. क्योंकि जब हम अपनी ध्यान को आप पे लगाते हैं तो आप सारी चीजों को संभाल लेते हैं. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. That's all, my brother, sister. मेरे सारे भाई और बहनों को आप छू लीजिए. Touch them wherever they are. वो जहाँ कहीं भी है आप उनको अपने स्पर्श को दीजिए. Help us all. आप हम सभी की सहायता करें. To focus on you.
कि हम आप पे ध्यान को लगाए टू लुक एट जीसस कि हम यीशु को देखे द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ और जो हमारे विश्वास का सिद्ध करता है थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु यीशु ब्लेस अस ऑल पिता हम सभी को आशीष दे ब्लेस ऑल माय ब्रदर सिस्टर मेरे सारे भाई और बहनों को आशीष दे टच देयर बॉडीज उनके शरीर को आप छुइए हील देम ओ लॉर्ड उनको आप चंगाई दीजिए हील देयर स्पिरिट मैन और उनके आत्मा को आप चंगाई दीजिए हील देम इमोशनली उनको भावनात्मक रूप में आप चंगाई दीजिए ब्लेस देम ओ लॉर्ड और उनको आप आशीष दे इन जीसस नेम वी प्रे और यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं आमेन आमेन